हो गया है और मैंने दिखा ही नहीं आपको, क्योंकि आप जानते हैं मैं भूल गई, क्योंकि अभी आदत नहीं है। और अभी मैं अपना हिजाब बांध रही हूँ। हिजाब बांधने के बाद आपसे मिलती हूँ। और आज मेरा क्लास 8 का लास्ट डे है स्कूल में, और आप कह भी सकते हैं स्कूल में भी लास्ट डे हो सकता है, क्योंकि कुछ नहीं पता है कौन से स्कूल में एडमिशन होने वाला है, कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन बस बाद में मिलते हैं। चश्मा भी लगा लेते हैं क्योंकि हमें लगाना पड़ेगा ये, नहीं तो हमें सब कुछ धुंधला दिखने वाला है। मेरा लास्ट डे, मैं किसे दिख रही है? मैंने शूज़ भी पहन लिया। अब चलो जल्दी से हम फिल कर लेते हैं अपना वाटर बॉटल। और वैसे आज मेरा है इंग्लिश का एग्ज़ाम, और आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है एंड आई एम फीलिंग वेरी नर्वस। और एग्ज़ाम 14 ही हो रहा था लेकिन वो पोस्टपोन हो गया था क्योंकि इलेक्शंस की वजह से। सो हाय, मैं स्कूल में नहीं शूट कर पाऊँ क्योंकि मोबाइल तो अलाउड है नहीं, बट मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कहीं से दिखा दूँगी। अभी मैं अपने विंगर वाले अंकल को फ़ोन करती हूँ और देखती हूँ। हाँ अंकल, 7:30 हो गया, कब आएंगे? अच्छा तब जब पहुँच जाएगा फोन करिएगा, हम खड़ा ना रहे। अच्छा ठीक। सो गाइस, आई एम बैक होम फ्रॉम स्कूल, और आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे था हमारे स्कूल में, एंड सी मुझे क्या मिला। बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड पूरे क्लास में, एंड वन मेडल फॉर फर्स्ट रैंक, एंड सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट डिसिप्लिन, सर्टिफिकेट फॉर एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन दिख रहा है, एंड सर्टिफिकेट फॉर रंगोली मेकिंग कॉम्पिटिशन, एंड वन मोर, एंड आई सिक्योर्ड फर्स्ट पोजिशन। एंड यहाँ पे मैम ने कहा कि सेकंड लिखा हुआ गलती से। सो क्लास 7 का था ये, वैसे क्लास 8 में भी हम, तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सरप्राइज मिल गया। सो गाइज, मुझे जितने मिले थे अवार्ड्स मैंने दिखा दिए, 4 सर्टिफिकेट्स, 1 मेडल और 1 ट्रॉफी बेस्ट डिसिप्लिन की। और स्कूल में, पूरे स्कूल में, मतलब कि क्लास 8 को सबसे बेस्ट माना गया। असेंबली में सब कुछ में उसका भी अवार्ड्स है, लेकिन वो हमें तो नहीं मिलेगा, हमारी क्लास टीचर को मिला है। तो मैंने सोचा इस अच्छे मौके पर क्यों ना मैं आपको अपने सारे अवार्ड्स दिखा दूँ। कुछ ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितने भी हैं मैं उसके लिए खुश नसीब हूँ और मेरे दिल के बहुत करीब है। तो अभी 4 बज रहे हैं और फिर चलिए मैं आपको सब दिखा देती हूँ। मैं लंच कर ली बाय द वे। तो हाँ जी, ये है मेरी फाइल, सर्टिफिकेटों वाली फाइल। आप देख सकते हैं कितनी मोटी है, क्लियर फाइल। तो मैं कुछ 3rd-4th के सर्टिफिकेट होंगे गलती से, क्योंकि 90% तो मुझे बेटर है, मैंने घुमा दिए होंगे, और कुछ 10% 5% बचे होंगे, क्योंकि कभी इस वाली अलमीरा में, कभी उस वाली में, कोई वैल्यू ही नहीं, कभी मैं फाड़ देती थी, कुछ भी नहीं था। सो लेट्स स्टार्ट। ये सर्टिफिकेट मुझे मिला है श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का, और कुछ तो मतलब एकदम बुरी तरह से घूमे होंगे ये क्विज सेंटर ऑफ सीनियर सेकेंडरी। ये इस वाली यूनिवर्सिटी ने क्विज रखा था, मतलब हमको लग रहा है जौनपुर के सारे उसमें हुआ था, तो उसमें मैं फर्स्ट आई थी। क्विज ये मेरे स्कूल के बेसिस पे है, पूरे जौनपुर पे नहीं। और ये मेरे खुद के स्कूल का 3rd पोजीशन दिया डेकोरेशन में, 1st पोजीशन राखी कंपटीशन में, क्लास 4th का है वो, 3rd पोजीशन हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में, और ये ओलंपियाड का है, और ये 2nd स्टैंडर्ड का आप देख सकते हैं। और मैंने 1st पोजीशन क्लास लेवल पे अटेंड की थी, और शायद मुझे दूसरी डिज़ाइन का दिखा होगा बाकियों से, क्योंकि सब तो सेम ही डिज़ाइन के, बाकियों से दूसरी डिज़ाइन का रखा दिखा होगा, तभी मैंने इतना संभाल के रखा होगा। और देख सकते हैं ये यहाँ से आया था नंबर 1 अखबार, और ये भी वही है पार्टिसिपेशन का है, और ये वही ओलंपियाड का वो है। ये सना शमीन को क्लास 4th में 2nd पोजीशन, अब कहाँ से, ओ हाँ मैं 2nd पोजीशन आई थी, रैंक होल्डर थी। और ये सना शमीम क्लास 5th 2nd पोजीशन, दूसरा देखते हैं, ये सना खान क्लास 5th 2nd पोजीशन दिया मेकिंग में था, और ये 1st पोजीशन क्लास 5th में आया था मेरा,
राखी मेकिंग में ऑफ हो, और अब इसको घुमाना पड़ेगा मुझे। ओके सो ये सना शमीम क्लास 5 सेकंड पोजीशन फैंसी ड्रेस कंपटीशन, और इसमें तो मैंने बहुत ही फैंसी कपड़ा पहना था अल्लाह, और घुमाना पड़ रहा है। और इस सना शमीम मटका डेकोरेशन कंपटीशन में सेकंड आए थे हम। और मिसेस सना शमीम बेस्ट हैंड राइटिंग अवार्ड, ओहो क्लास 6 में मिला था, मुझे तो याद ही नहीं है। सना शमीम ऑफ क्लास 6 है सिक्योर सेकंड पोजीशन पार्टिसिपेट रही है। ड्राइंग कॉम्पिटिशन में सेकेंड आए थे, राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन में सेकेंड, एंड यही वो ओलम्पियाड है। आपको थोड़ा झलक दिखा देती हूँ, देखिए मेरी इन्विजिलेटर सिग्नेचर इसमें बहुत अच्छी बनती, और ये है ओलम्पियाड। ये मैंने बाद में सॉल्व किया, मतलब अभी बहुत जल्दी सॉल्व किया ये सब, बस इतना ही था खत्म। इसको मैं बाद में रखती हूँ। क्लास फर्स्ट तक दूसरे स्कूल में पढ़ा, तो ये उसकी है सेंट जेफर्स स्कूल पीजी में। मेरा पीजी का भी रिपोर्ट कार्ड है, एलकेजी का, मतलब मेरी अम्मी ने संभाल के रखा था, यूकेजी का फर्स्ट। अब स्कूल का नेम चेंज होएगा, अब सेकंड से मुझे सेंट जोसेफ में मिलने लगा था सेकंड और फोर्थ, क्योंकि मैंने थर्ड स्कूल नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने जंप कर दिया था, क्योंकि मेरे ईयर के एज ग्रुप जो थे वो मेरे घर पे मतलब कि मुझसे एक क्लास ऊपर थे, तो मेरी मम्मा कहा नहीं तुमको एक क्लास ऊपर कराना है। तो ये क्लास 5th था सना शमीम का। ये क्लास 6 का है, अरे क्लास 7th में सेकंड 97% मुझे मिला है, ये भी का शायद, या क्लास 7th का है ये, क्लास 7 में मुझे 97% मिला, और ये कुछ मेरी आंसर थी। क्लास 8 में सेकंड पोजीशन रंगोली मेकिंग, क्लास 6 में फर्स्ट आए थे 2019 का ये। ओह मेडल भी है, यस वो भी गोल्ड। अभी आंसर शीट क्लास 6 की, अभी मैं दिखाऊंगी थक गई हूं। ये देखिए ये मेरे कुछ पेपर्स हैं, क्योंकि जब अगला पेपर आता है तो उसमें प्लस इंक्लूडिंग होता है ना, यूटी सेकेंड कोर्स या फिर हाफ ईयरली या फिर एनुअल कोर्स, तो कई कई बार ऐसा होता है ना क्वेश्चन पेपर में सारा, तो मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाती हूँ। एसी राइटिंग कंपटीशन में मैंने फर्स्ट पोजीशन ली थी, और मेरा इससे बहुत अच्छा था कॉन्स्टिट्यूशन पे था, और 18 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू, 26 जनवरी वाला। तो क्लास 8 का बेस्ट डिसिप्लिन मेडल भी है, वो तो बस खत्म, कुछ थोड़े से और पेज बाकी मैं क्लियर की, क्लियर बुक के और फिर खलास। सो ये छोटा सा मिनी व्लॉग तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा, 6-7-8 मिनट्स की हुए होंगे, क्योंकि मैं सेव कर रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। सो होप यू लाइक द वीडियो, इफ यस देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप। और जिनको ये अवार्ड्स कम लग रहे हैं कोई बात नहीं, मैं इनके लिए बहुत खुशनसीब हूँ, और जिनको ये ज़्यादा लग रहा है इंशाल्लाह आपके पास भी इतने होंगे, इतने क्या इससे ज़्यादा भी होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिनसे आप शेयर करना चाहते हैं उनको शेयर कर दीजिए, एंड बाय, टेक केयर।